hello dear students so this is the third part of this chapter and here we will discuss about the deterioration of water quality but before this topic uh, uh, starting this topic i just wanted to give you a question we should reduce use of groundwater explain the statement with the help of examples. So students you will get question of these types also statement based questions also quit. okay you will get in the examination. so it's my question there you we should reduce use of groundwater explain the statement with the help of examples. So here what you can write here the page number 65 you can see here over use of groundwater. ओवर यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर ओके यहाँ पे क्या लिखा है द ओवर यूज़ ऑफ़ ग्राउंड वाटर लाइक इन राजस्थान महाराष्ट्र गुजरात एम पी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में ग्राउंड वाटर बहुत कम हो गया है वाई बिकॉज उसको कम होने की क्या मेन रीज़न है बिकॉज़ यहाँ पे क्या है एक डेट्रियेशन ऑफ वाटर क्वालिटी डेट्रियेशन ऑफ वाटर क्वालिटी इन द सेंस वाटर क्वालिटी रिफर्स टू प्योरिटी ऑफ वाटर और वाटर विदाउट अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंसेस। अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंसेस मीनस उनमें कुछ ऐसे केमिकल्स और जो कंपनीज़ जो इंडस्ट्रीज से जो आपका वेस्ट निकल कर क्या आता है उससे वो वाटर क्या हो जा रहा है पल्यूट हो जा रहा है सो वाटर गेट्स पल्यूटेड बाय फॉरेन मैटर्स वाटर पल्यूट कैसे होता है ये होते हैं लाइक ऑर्गेनिज्म केमिकल्स इंडस्ट्रियल uh, जो इंडस्ट्रियल एंड देयर वेस्ट अदर वेस्ट जो निकलता है ये सारी चीज़ें वाटर क्वालिटी को अनफिट कर देती हैं सो so, इस वाटर को फॉर को फॉर ह्यूमन यूज़ नहीं किया जा सकता है जितने भी इस टॉक्सिक uh, सब्सटेंसेस substance, जो होते हैं वो वाटर में एंटर करते हैं लाइक इन लेक्स स्ट्रीम रिवर एंड अदर वाटर बॉडीज एंड डिज़ोल्व इन वाटर तो धीरे धीरे क्या करते हैं ये वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं सो दिस रिजल्ट क्या रहेगा पोल्यूशन ऑफ वाटर क्वालिटी ऑफ वाटर डिट्रॉइड्स अफेक्टिंग एक्वेटिक सिस्टम ओके एकटिंग सिस्टम को बहुत ज़्यादा अफक्ट करते हैं इवन अफेक्ट्स इन ग्राउंड वाटर ऑल्सो या लाइक गंगा एंड यमुना आदर टू हाईली पोल्यूटेड रिवर्स इन द कंट्री आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड हैं ये दो रिवर्स गंगा एंड यमुना राइट बिकॉज अगर सपोज दिस इज़ गंगा रिवर और इसके आस पास बहुत ज़्यादा यू नो पीपल लाइक हेयर इंडस्ट्रीज है यहाँ से कुछ वेस्ट निकल करके आ रहा है ठीक है यहाँ लोगों के घरों से वेस्ट निकल करके आ रहा है सो ऑब्वियसली ये कहाँ जाके गिरेंगे रिवर्स पे? और ये रिवर वाटर क्या हो जाएगा पल्यूट हो जाएगा करेक्ट सो नेक्स्ट इज़ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट सो हाउ कैन वी कंजर्व वाटर कि किस तरीके से हम वाटर को बचा सकते हैं उनको सेव कर सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज सो एंड ये जो एक मैथड है थ्रू द मैथड वाटर शेड मैनेजमेंट यहाँ पे एक वाटर शेड थ्रू द वॉटर शेड मैनेजमेंट यू विल स्टाडी हेयर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड टाउन्स लोकेटेड ऑन द डैम ओके इट इज़ दिस इज़ यू कैन सी दिस इज़ द गंगा रिवर ट्रिब्यूटरीज ये कौन कौन सी रिवर्स जो है वो गंगा से जा करके के मिलती हैं ठीक है सो हेयर विल सी वाटर शेड मैनेजमेंट एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग थ्रू दिस प्लान थ्रू दिस प्लान वी कैन कंजर्व वाटर ओके हम इससे क्या कर सकते हैं बचा सकते हैं वाटर को

A here it is mentioned because the Central Pollution Control Board. Okay, the Central Pollution Control Board, which is called CPCB, in collaboration with the State Pollution Central Board. State Pollution Central Board has been monitoring water quality of national aquatic resources at five zero seven stations. Okay, so this type of question जो है वो मेनली आपके वन मार्क के क्वेश्चन में आते हैं फुल फॉर्म कैन बी ओके सो यू हैव टू रीड इट आल्सो, सो यहाँ पे क्या है कि स्पेशली द यमुना रिवर जो है कि सबसे ज़्यादा मोस्ट पोल्यूटेड रिवर है सो इन द कंट्री बिटवीन दिल्ली एंड इटावा अदर सेवरली पोल्यूटेड रिवर्स आर साबरमती विच इज़ इन अलाहाबाद सॉरी अहमदाबाद ओके हेयर यू कैन सी यस साबरमती एट अहमदाबाद गोमती एट लखनऊ द काली द अध्यार द कोम एंटर स्ट्रेच द ये सारी रिवर्स दिस आर वेरी यू नो पोल्यूटेड वाटर यू कैन सी द लेजस्लेटिव प्रोविजन सच इज़ द वाटर एंड एनवामेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन नाइनटीन नाइनटीन ऐटी सिक्स इसमें आप देख सकते हैं कि नाइनटीन ऐटी सिक्स में

जो यहाँ पे सीज एक्ट द वॉटर सीज एक्ट सो देर सम एक्ट विच यू हैव टू लर्न वॉटर सीज एक्ट इन नाइनटीन सेवेंटी सेवन मीन टू रिड्यूस पोल्यूशन इनका क्या मेन मोटिव था कि किस तरीके से वाटर पल्यूशन जो हो रहा है उसे रिड्यूस किया जाए सो मार्जिनल इम्पैक्ट नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द रेन वाटर हारवेस्टिंग तो दिस इज द पैराग्राफ विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड यू कैन मेक मैनी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम दिस पैराग्राफ ओके नेक्स्ट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग आई ऑलरेडी टोल्ड अबाउट द रिसाइकल एंड रीयूज वाटर स्टूडेंट ओके नेक्स्ट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग अब वाटर शेड मैनेजमेंट एल टेल यू आफ्टर दिस ओके सो हियर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्टूडेंट्स यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस इन दिस इन जूनियर क्लास की रेन वाटर हारवेस्टिंग किस तरीके से की जाती है ओके सो वाट इज़ दिस रेन वाटर को कैप्चर या फिर स्टोर किया जाता है जिसे बाद में यूज़ किया जाता है सो so ये जो सिस्टम है दिस इज़ सिस्टम विच इज़ यू नो वेरी इको फ्रेंडली एंड वेरी यू नो चीप वी कैन से बिकॉज वेरी इसमें बहुत लो कॉस्ट लगता है थ्रू दिस वी कैन प्रिजर्व वाटर इट इंक्रीजेज़ वाटर अवेलेबिलिटी एंड इट इंक्रीज़ द गुड क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल बिकॉज हेयर यह एक तरीके से सर्कुलेट होता है इन द ग्राउंड वाटर सो ये ग्राउंड वाटर के लेवल को भी क्वालिटी को भी कंचेंज कर सकता है नेक्स्ट इस ट्रेडिशनल हारवेस्टिंग मोस्टली प्रैक्टिस इन रूरल एरियाज अब ये जो ट्रेडिशनल हारवेस्टिंग है ये सबसे ज़्यादा रूरल एरियाज में प्रैक्टिस हैं में है लाइक लेक्स पॉन्ड इरीगेशन एंड टैंक्स का यूज़ होता है स्पेशली यू कैन सी इन राजस्थान जब जाओगे तो यू कैन सी हर घर के ऊपर एक टैंक बने रहते हैं जिसमें वाटर स्टोर किया जाता है जिसमें यू कैन सी वन इज़ हारवेस्टिंग थ्रू वाटर शेड मैनेजमेंट सेकेंड वी कैन से हारवेस्टिंग थ्रू लेक्स हारवेस्टिंग थ्रू रूफ्स एंड वेल एंड हारवेस्टिंग थ्रू रीचार्ज वेल ओके here is the picture you can see here harvesting through service wells harvesting through recharge wells harvesting through watershed management or harvesting through lakes okay so this is the function through this they use rain water now next is water shade water shade management so इसमें एक तरीके का क्वेश्चन आता है कि वॉट इज वाटर शेड मैनेजमेंट डू यू थिंक इट कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये एन सी आर टी क्वेश्चन भी है आपका इससे रिलेटेड सो यू कैन राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन लाइक वाटर शेड मैनेजमेंट बेसिकली रिफर्स टू एफिशियंट मैनेजमेंट ओके एफिशियंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ सर्फेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस ओके तो यहाँ पे क्या है इट इन्वॉल्वस प्रिवेंशन ऑफ रन ऑफ एंड स्टोरेज स्टोरेज एंड रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर थ्रू वेरियस मैथड लाइक परकुलेशन टैंक्स टैंक्स का यूज़ करना रिचार्ज वेल का यूज़ करना हावेवर इन बोर्ड सेंस वाटर मैनेजमेंट जो इंक्लूड्स कंजर्वेशन रीजनरेशन एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ ऑल रिसोर्स बिकॉज़ हर तरीके के कि कभी भी हम वाटर यूज़ करते हैं तो हमें उसको बहुत अच्छे से यूज़ करना है हमें वेस्ट नहीं करना है सो नेचुरल रिसोर्स लाइक जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं लाइक लैंड हो गया वाटर प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन विद इन वाटर शेड वाटर शेड मैनेजमेंट का मेन एम क्या है ब्रिंगिंग अबाउट बैलेंस बिटवीन नेचुरल रिसोर्स ऑन वन हैंड एंड सोसाइटी ऑन द अदर हैंड कि हमें क्या करना है वाटर की यूज़ को एक बैलेंस बना करके वी शुड यूज़ वाटर ओके अगर हर एरिया में टेक्निक्स का यूज़ किया जाए जिससे वाटर को सेव किया जा सके सो वी कैन यू नो सर्च एंड वी कैन अपने खुद से वी शुड सेव वाटर बाय ओन हमें किसी को अवेयर करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन आई टेल यू वॉट इज़ वाटर शेड मैनेजमेंट डू यू थिंक इट कैन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल ये जो क्वेश्चन आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन बिकॉज थ्रू दिस इट विल भी इजी टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स कि इसमें सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव इनिशिएटेड मैनी वाटर शेड डेवलपमेंट्स ओके सो इसमें आप ये चीज़ें देख सकते हो जैसे कि आप लाइक

So, which aims at enable the rural population to conserve water for drinking. Which conserve care especially for drinking, irrigation, okay, fisheries and afforestation, right? And being executed by gram panchayats, people's participation. Okay. Next is niru miru. What is this? Niru miru means water and you. Okay. Niru वाटर एंड मी यू एंड मी ओके इसमें यू भी हो सकता है मी भी हो सकता है सो हियर सॉरी वाटर एंड यू प्रोग्राम जो कि आपके आंध्र प्रदेश में हुआ था एंड अनदर वन इज आरवरी पानी संसद इज एन अलवर जो कि राजस्थान में है दिज आर द प्रोग्राम्स टेकन अप कंस्ट्रक्शंस ऑफ वेरियस वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर्स सच एस प्रोकलेशन की किस तरीके से टैंक का यूज़ करके हम वाटर हारवेस्टिंग कर सकते हैं डग आउट पॉन्ट्स स्मॉल पॉइंट्स को हम किस तरीके से बनाए विच इज़ कॉल्ड जोहाद चेक डैम्स बना करके सो थ्रू पीपल्स पार्टिसपेशन ये प्रोग्राम जो है कंस्ट्रक्ट किए गए थे राइट सो दिज आर दम प्रोग्राम्स विच यू हैव टू लर्न एंड Factors which I told you, and you can see this tributaries as mentioned here. You studied in 11th class, even in 9th class, you studied the uh, drainage system. Those may sorry, you already studied. So, you have to revise these topics again, okay? You have to read this chapter very deeply, and there are some activities also uh, like. Observe the quantity of water used at your home in various activities, and enlist the way in which the water can be reused and recycled in various activities. So you can do this activities. Try to think, ki kaha kaha pe kitna water use hota, istemal hota hai. Okay. And read this also. This is the watershed. डेवलपमेंट इन राजस्थान सिद्धि सॉरी रेलगन सिद्धि अहमदानगर अहमदनगर एंड महाराष्ट्र दिस इज़ अ केस स्टडी सो रीड इट स्टूडेंट्स इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग ओके एंड देर इज़ वन मोर थिंग हाई लाइट्स ऑफ इंडियाज़ नेशनल वाटर पॉलिसी सो दिस पॉलिसी ऑल्सो यू हैव टू रीड Jai Kranti Abhiyan this is also read otherwise in the next video i'll explain these two programs also so thank you so much students